हद का माउंट आबू हद के शरीर के साथ होगा और वेद का माउंट आबू आत्म की स्थिति में रहने वाली आत्माएं बुद्धि योग से बाहर रहेंगी। पहले आत्मा का सुधार, जिस आत्मा का सुधार होता है उसके परिवार का सुधार होता है, फिर गांव का सुधार होता है, फिर जनपद का सुधार होता है। तो सुधार की शुरुआत कहां से होगी? माउंट आबू से होगी या बीज रूप आत्माओं का जहां उद्योग रखा होगा वहां से होगी? पहले घर का सुधार हो, फिर गांव परिवार का सुधार, ग्रामीण परिवार वो भी एक परिवार है। बाकी माउंट आबू वो तो महामधुबन है ही, अंतिम समय में सारी दुनिया की नजर आबू अब्बा के घर में होगी। बल वहां पहुंचेंगे नहीं, फिर भी उनकी बुद्धि में नजारा आवेगा, याद करेंगे। लेकिन वो बड़ी दुनिया की बात है, बाद में संपन्न होगी। पहले तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। बाहर की दुनिया के लोग इतने गंदे भी नहीं बनते और इतने सुच्चे भी नहीं बनते। ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया बहुत नीचे भी गिरती है और बहुत ऊंची भी उठती है। तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत कहां से होगी? पहले तो छोटी दुनिया चाहिए, छोटे से संगठन की स्थापना होगी तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश भी होगा। जो विधर्मियों के छिलके वाली बीज रूप आत्माएं हैं वो पहले अनिश्चय बुद्धि बनेंगी, विनाश हो जाएगा। और जो अपने धर्म के सनातन धर्म के पक्के हैं, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले बाप को पहचानने वाले हैं, उनका बुद्धियोग स्थिरियम हो जाएगा। तो बुद्धियोग स्थिरियम हो जाने के लिए भी कोई स्थान चाहिए। जैसे व्यक्ति का महत्व है वैसे स्थान का भी महत्व है। परंतु प्रयास ऐसा होना चाहिए कि स्थान के आधार पर हमारी स्थिति न बने, हमारी स्थिति के आधार पर स्थान तैयार हो जावे। स्थिति चैतन्य आत्मा की बनती है और स्थान जड़ होता है। कौन ज्यादा पावरफुल है? चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल है। स्थान और समय को भी पलट सकती है। तो जो सनातन धर्म देवी देवता धर्म की पक्की आत्माएं हैं, वो बाप के पक्के पक्के डायरेक्शन पर चल करके अपने को भी परिवर्तन करते हैं, अपने बाप के स्थान को भी परिवर्तन करते हैं और समय को भी परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए अभ्यतवाणी में बोला कि अब देखेंगे दुनिया के किस कोने से आवाज निकलती है, किस कोने से भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। हम तो जानते हैं कि भक्ति मार्ग में तो यूपी में ही भगवान का जन्म दिखाया गया है। जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में,
चाहे राम भगवान के रूप में और चाहे काशी विश्वनाथ शंकर के रूप में, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वाराणसी हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म का स्थान उत्तर भारत में ही दिखाते हैं। और उत्तर भारत के भी उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखते हैं। तो बुद्धियों की एकाग्रता चाहिए। जैसे माँ बाप अपने विदेश में दिए गए हुए बच्चे को याद करते हैं, तो विदेश में अपने बच्चे के साथ साथ कोई न कोई स्थान को भी इमर्ज कर लेते हैं। व्यक्ति के साथ साथ स्थान की भी विशेषता हो जाती है। तो व्यक्ति, स्थान, स्थिति और समय सब की एकाग्रता चाहिए। माउंट आबू से 500-700 करोड़ की दुनिया में वाइब्रेशन फैलेंगे और जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है उसमें वाइब्रेशन कहाँ से फैलेंगे? जो भी बीज रूप आत्माओं का उद्गम स्थान है, जहाँ से टाइटल मिलते हैं भक्ति मार्ग में बड़े बड़े गुरुओं को, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग के वर्तमान समय की यादगार है, पुरुषार्थ की यादगार है। तो ब्राड मिनी मधुबन भी है, महामधुबन और फिर मिनी मधुबन भी है। मिनी माना छोटा। बीज रूप आत्माओं की दुनिया कैसी है? छोटी दुनिया है। और बाबा को धन से सेवा करना चाहते हैं, एक स्थूल धन होता है और एक सूक्ष्म धन होता है, ज्ञान धन। तो बाबा किस संबंध से स्थूल धन ले लेंगे या सूक्ष्म धन ले लेंगे? कोई कनेक्शन होगा तब ही ले लेंगे या बिना कनेक्शन के ले लेंगे? बाप होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाई करता है, बाप को बच्चा भेजता है तो बाप लेता है। बच्चा बनाना संबंध है ना, तो लेता है। तो यहाँ भी जिन्होंने भट्टी नहीं की है, बाप के घर के भांति ही नहीं बने हैं, उन्हें स्थूल धन या सूक्ष्म धन देने की दरकार ही नहीं है। उनका मनन चिंतन मंथन भी अपने तरीके का होगा। दुनियावी बातों का आलोड़न करके प्रश्न करेंगे,
तो उनका समाधान क्या दिया जाएगा? इसलिए पहले बच्ची करें, बाप के बच्चे बने, फिर मनन चिंतन मंथन करके प्रश्न करें और उन प्रश्नों का समाधान लेवे, वेरिफिकेशन लेवे। नवरात्रि में कभी कदम्बा की पूजा कोई कोई करता है, कोई चंडी की मूर्ति बनाते हैं। अभी आते आते बस में से देखा कई कई कदम्बा की मूर्ति है, कोई खाने में चंडी की काली मूर्ति बनाई थी। हाँ जी, अलग अलग क्यों पूजा? हाँ, कोई गौरी की पूजा करते हैं, कोई काली की पूजा करते हैं। नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट होती है? तो जो काली की पूजा करते हैं वो काले कर्म करने वाले ज्यादा होंगे। चंडिका देवी की पूजा होती है ना, और जो गोरे कर्म करने वाले हैं वो गौरी की पूजा करेंगे। बीच में फिर और भी नंबरवार देवियां हैं, नौ देवियां हैं ना, नौ धर्मों से कनेक्टेड है ना, सभी धर्म नंबरवार है ना, कि एक ही जैसे है नंबरवार है, तो देवियां भी नंबरवार है, और सतयुग में बनने वाले नौ नारायण भी नंबरवार है, अष्टदेव भी नंबरवार है, और नौ रतन भी नंबर वन। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हैं? क्या अच्छा लगता है? और अच्छा लगता है? और सफेद बाल वालों को गोरा ही अच्छा लगेगा। और भट्टी के लिए बहाना नहीं चलेगा, माना कोई बांधेली माता रहेगी तो भट्टी नहीं किया है तो सेवा नहीं कर सकते। बांधेली माता बांधेली बनी क्यों? बाबा ने बोला अंत में सात साल तो क्या आएंगे। हाँ तो ठीक है, तो इंतजार करो, इंतजाम करो, बाबा की याद करो, याद से बंधन टूट जाएंगे। जैसे यज्ञ के आदि में सब स्वतंत्र हो गई थी, ऐसे अंत में भी स्वतंत्र हो जाने जी। तुम्हारा हमारी जहाँ बढ़ेगी, खून खराबा होगा दुनिया में, तो सब बांधन आंधना भूल जाएंगे, भागेंगे सर पर पांव रख के। खुला खेल फरुखाबादी कहाँ कर रहे हैं? खुला खेल फरुखाबादी, खुला खेल फरुखाबादी। दुनिया में खेल खेलते हैं, तो खेल खेलने वाले जो हैं, ऐसे तो ये सारी दुनिया ही एक खेल है। क्या सारी दुनिया खेल कहो, नाटक कहो, ड्रामा कहो, क्या है? ड्रामा खेलते हैं ना, नाटकबाजी भी खेलते हैं ना, तो ये सारी दुनिया क्या है? एक खेल है। उस खेल में देवताएं भी खेल खेलते हैं और दैत्य भी खेल खेलते हैं। जो विषयी लोग हैं वो भी खेल खेलते हैं, जिससे दुनिया का नाम पड़ता है वैश्यालय। विशेष लोगों का खेल जहाँ खेला जाता है, उस वैश्यालय में उस खेल को ही प्रधान माना जाता है। सबकी बुद्धि कहाँ लटकी रहती है? वैश्यालय में जो भी मनुष्य मात्र है उनकी बुद्धि कहाँ लटकी रहती है? द्वितीय खेल खेलने में लगी रहती है।
और शिवालय में जो भी देवात्माएं हैं उनकी बुद्धि आत्म की स्थिति में लगी रहती है। सात्विक प्रकृति का खेल खेलते हैं और दोनों प्रकार की दुनिया का बाप कौन है? देव और दैत्य। देवों की पैदाइश अदिति से हुई और दैत्यों की पैदाइश दिति से हुई। दिति माना खंडित। जैसे दो गीताएं हैं, एक गीता पर सत्य की छाप पड़ती है तो खंडित गीता हो जाती है और एक गीता पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ती है तो अखंड सच्ची गीता हो जाती है। तो एक है गौरी और एक है काली। ये खेल है, दुनियावी जो खेल है, जो कलयुग दुनिया में लोग खेल रहे हैं उनका भी कोई बाप है और जो नई सत्यवी दुनिया होगी सत्य बाप की बनाई हुई दुनिया, वो सत्य एक ही है जिसे शिव कहा जाता है। शिव कहा जाता है या शंकर कहा जाता है? सदा शिव कहा जाता है। तो जो शिव आकर के खेल खिलाता है, हमसे प्रैक्टिस कराता है, वो खेल खेलने में प्रैक्टाइज सबसे जास्ती कौन बनते हैं? पक्का खेल खेलने वाले। अरे कोई 100% का अच्छा खेल खेलते हैं श्रीमत के अनुसार है? उनका नाम है लक्ष्मी नारायण। ऐसा खेल खेलते हैं कि इंद्रियों का साकार में कोई संग भी नहीं करते तो भी वाइब्रेशन मात्र से राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश हो जाती है। है वही विश्व के पिता जो ऐसी चतुर्गी दुनिया की स्थापना करने का खेल खेलते हैं और वही विश्व पिता है जिसे राम कहा जाता है, जिसके लिए बोला है राम तो क्या बनता है? रावण बनता है। प्योरिटी का खेल खेलने से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है और अपवित्रता से अपवित्र दुनिया की स्थापना हो जाती है। अति चाहिए, अति होगी तो अपवित्र दुनिया का अंत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है खुला खेल फरुक्कावादी। फरुक्कावाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। वो मालिक है, ऐसा खेल खेलता है कि दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य खेल खेलने वाले हैं सब चक्रित हो जाते हैं, सब की बुद्धि चलायमान हो जाती है और खुला खेल खेलता है। कोई छिपने करने की बात नहीं है। इसलिए बोला जाता है खुला खेल फरक्कावादी। नई दुनिया में जो गुप्तता रखी है ये क्यों है? नई दुनिया के लिए हाँ, नई दुनिया के लिए जो गुप्तता है। क्या गुप्तता? चलिए अभी नया संगठन दारो वाणी में बोला है कि वहाँ कोई आना जाना करते हो
हाँ जी कोई जाता है कोई नहीं जाता है। हाँ हाँ आसुर नहीं जाते को पूछने का हक है, आसुर नहीं जा सकते और जो देव बनते हैं वो जा सकते हैं। नई दुनिया जो स्थापन होगी वो थोड़ों की होगी या 500 करोड़ की होगी, कौन जानेंगे? भगवान के सिलेक्ट किए हुए जावेंगे या सारे ही जावेंगे? जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं जिन्हें सिलेक्ट करते हैं वो भी जावेंगे क्या? नहीं जावेंगे। योग जुगुप्ति ये दोनों चीजें गुप्त रखने की है। तपस्या भी गुप्त रखनी चाहिए, इनका प्रभाव तभी ही निकलता है। और ग्रहणहार और करावनहार। हाँ जी ग्रहणहार में तो ब्रह्मा हुआ करके कुछ दिखा देते हैं। हाँ जी दूसरे से अपेक्षा नहीं करते कि तुम करो या ना करो, बच्चे करें या ना करें, बच्चों को नहीं देखते लेकिन खुद करके दिखाया। करावनहार वो कब से शुरू करने वाले? धर्मराज भूल गया है, पूछा है अव्यक्तवाणी में अपनी अव्यक्त स्टेज फरिश्ताई स्टेज कब बनावेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? तो चीफ जस्टिस धर्मराज आ जाएगा तो धराधरा अध्यक्ष स्टेज बनने लग पड़ेगी। बाबा आश्चर्यों में निकृति करके देव का गायन है तो, लेकिन उनका जो चेहरा जो बताया जो चित्र वो तो खप्पर की माला है तब पहना हुआ चेहरा है, तो देव कैसे? जो भी ऐसे देव हैं उनका दूसरे धर्मों से कुछ न कुछ कनेक्शन है या नहीं है? तो जिसका जिस धर्म से कनेक्शन है विशेष उनका वैसा ही रूप बन गया है। लेकिन चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष होंगे बाबा ने बोला है। हाँ जी हाँ जी वो क्या है, वो जिस अंतिम जन्म में जिस धर्म से जाके कनेक्टेड हो जाते हैं उसका देव बनने के बावजूद भी चेहरे पर कुछ चिन्ह रह जाता है। तो आखिर में प्रत्यक्ष किसको करते हैं, उस धर्म को प्रत्यक्ष करते हैं बाप को? बाप को ही प्रत्यक्ष करते हैं लेकिन जिस धर्म में जाके गिरते हैं उस धर्म में शेष आत्माएं उनके साथ जुड़ी हुई है, उन शेष आत्माओं को निकालने के लिए उस धर्म में गिरते हैं तो चेहरे अलग अलग हो जाते हैं। बाबा और जो अदृश्य है वो बेदर होगा इस समय? हाँ जी होगा या ज्ञान ढंग से? दोनों से होगा, ज्ञान तो पहले भी नहीं था उसके पास, जब पहले जन्म में था तब उसके पास ज्ञान था क्या? ज्ञान तो उस समय भी नहीं था। दूसरे से अगर बेहतर होगा तो वो ज्ञान में इतना उठाएगा नहीं, उसको प्रेम की चिंता होगी। हाँ तो ज्ञान उठाता ही कहाँ है, दूसरे धर्म के धर्म पिता है ज्ञान उठाते हैं क्या? ज्ञानदाताओं को पूरा पहचानते हैं क्या? पहचान ही नहीं पाते। बाबा ये जो नया संगठन के बारे में बताया जाता है तो ये जो नया संगठन बनता है बाबा तो संगठन की पालना भी होनी चाहिए, तो पालना के लिए निमित्त जो पिता का पाठ बजाने वाले भी होंगे जैसे अष्टदेव में से बाबा ने बोला आना जाना करते हैं। मात पिता वाली बात तो बुद्धि में भरी हुई है जुगल जोड़ी के हिसाब से। जुगल जोड़ी की नहीं बाबा, भाई बहन ही। हाँ जी जो मात पिता जो होते हैं अगर परिवार में नहीं भी होते हैं
तो जो बड़े भाई या बड़ी बहन होती है उस बड़े भाई को भी बाप समान कहा जाता है, जिम्मेवारी उठाती है, और बड़ी बहन को भी माता समान कहा जाता है। तो रुद्रमाला में भी जो सूर्यवंशी विशेष मण के हैं उनमें कोई बड़े हैं, धारणा में ज्ञान की धारणा में भी बड़े हैं, गुण रत्नों की धारणा में भी बड़े हैं, और शक्ति की धारणा में भी, शक्तियों की धारणा में भी बड़े हैं। तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बाबा आठ में से दो तो कम से कम वहाँ परमानेंट भी होते होंगे ना? कोई जरूरी नहीं है, पालना करने के लिए, परिवार की पालना करने के लिए सिर्फ माँ ही काफी है, या बाप को घर में रहना जरूरी है? माँ ही काफी। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला दो पत्ते से और दो पत्ते निकले, वो बात ठीक है, बुद्धि योग की बात है। जब लक्ष्मी नारायण जो है वो बुद्धि योग से जुड़े हुए होंगे या शरीर की कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए होंगे? बुद्धि योग से जुड़े हुए होते तो उनके भी जो बीज होंगे, रुद्रमाला में तो सबके बीज है ना, तो लक्ष्मी नारायण के भी जो बीज होंगे उनकी बुद्धि योग की विशेषता होगी या शरीर से साथ रहने की विशेषता होगी? बुद्धि योग की होगी। पाप का निधि है पवित्रता। हाँ, पाप का निधि क्या है? पवित्रता। पाप माने नियर, पाकिस्तान में फिर इस्लाम धर्म का ये है ना मान्यता है, वो कैसे इस्लाम धर्म को इतना पवित्र नहीं है? वो इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो चोरी छिपे व्यभिचार होता है, और मुस्लिम धर्मों में चोरी छिपे व्यभिचार करने की कोई भी गुंजाइश नहीं, छोड़ी है, हाथ पांव काट देते हैं। इस्लामी कंट्रीज में इतने सख्त नियम है, जो भी करना है खुलेआम निकाह करो, और जो खेल खेलना हो तो खेलो। ये चोरी छिपे का भ्रष्टाचार वहां नहीं चलता है, और भारत में, भारत में पत्नी को कुछ नहीं बताएंगे, और सारे धंधे काले धंधे करते रहेंगे। पत्नियां भी ऐसी है जिनको बाबा ने बोला सुपन खाए पूतन है। तो कौन पाप हुआ, कौन साफ हुआ, कौन नापाक हुआ? बाबा आज मुरली में बोला कि एक ही घर में पति हंस बनता है, तो पत्नी जो है सपोर्ट नहीं करती, बगुले बनते हैं। तो हंस तो मोती चुनने वाला होता है, हाँ जी, और बगुले जो है गंदगी फैलाने वाली मछलियां खाते हैं। बाबा एक ही घर में बोला है, ये कौन सा घर? एक ही शरीर रूपी घर? अरे ब्राह्मण परिवार की बात बताई बाबा, लेकिन जो निमित्त जो नंबर वन का होगा हंस, नंबर वन की बगुला उनको कंपटीशन में रहेगी ना बाबा? वो दोनों तरह की बात है, बाबा ने तो एक मिसाल दिया कि कोई घर में पत्नी चलती है और कोई घर में पति ज्ञान में चलता है। पति हंस बन करके ज्ञान के मोती चूमता है, और पत्नी बगुला बन जाती है, और कोई घर में उल्टा हो जाता है। तो मिसाल दिया, लेकिन टैली करने के हिसाब से पहली भले हर बात तो करे, लेकिन कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं उठानी चाहिए।
व्यक्तिगत बात को पकड़ने से उसका दोष आ जाता है आत्मा के ऊपर। परचिंतन हो जाता है, परचिंतन पतन की जड़ बन जाती है। एक सामान्य बात, सामान्य नियम लागू कर दिया और उसको क्लियर कर दिया, वो बात अलग है। और पांडवों के लिए बोला है, पांडवों के लिए बोला है कि ये पृथ्वी के तीन पैर उसको मिलते भी नहीं है, तो भाव क्या होता है? तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले पांडवों को। पांडवों में मुख्य पांडव कौन होता है? है? अरे मुख्य पांडव का कोई नाम बताया है? युधिष्ठिर। तो जो मुख्य पांडव के जीवन में लागू होगा वो बात हर पांडव के जीवन में लागू होगी या नहीं होगी? आगे पीछे लागू होगी। तो मुख्य पांडव उसको तीन पैर पृथ्वी अभी तक ऐसी मिली है जहाँ कोई किसी प्रकार का इंटरफियर न कर सके, कोई उंगली ना उठा सके। तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया? मुख्य पांडव को अभी तक ऐसी पृथ्वी मिली? मिनी मधुवन तो खुल गए, रहने वाले उसमें रहने भी लगे, महलमाड़ियां अटारियां बड़ी अच्छी अच्छी बन गई, लेकिन उस मुख्य पांडव को तीन पैर पृथ्वी मिल सकी? अब जब स्वतंत्र रूप से ऐसी तीन पैर पृथ्वी ही नहीं मिली तो गायन तो हो गई। एक से शुरुआत होती है, फिर जैसे जैसे प्रत्यक्षता होती जाएगी और पांडव भी खुलते जाएंगे। तो एक पांडव की बात नहीं रहेगी, सब गायन होगा, पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के भी इस सारी सृष्टि में नहीं मिले, और बाप आकर उनको विश्व का मालिक बनाई देते हैं। और संगम युग 100 साल बताया हुआ, तो 36 से लेकर के 69 तक ब्रह्मा का 33 साल हो जाता है। उसके बाद दूसरी मूर्ति का पाठ 77 से लेकर 76 से अगर जोड़ेंगे तो बीच के 8 साल कहाँ चले जाएंगे? वही 36 से ब्रह्मा अगर शुरू हुआ तो ब्रह्मा की प्रत्यक्षता तो तभी होगी जबकि ब्रह्मा में मुरली चलाई जाए। 36 से मुरली चलाई गई या 47 से मुरली चलाई गई? वो 10 साल किस खाते में गए, वो ऐड नहीं करेंगे? उस समय ब्रह्मा था या नहीं था? ब्रह्मा तो था, ब्रह्मा था। तो ऐसे ही शंकर की पाठधारी आत्मा 76 से पहले 8 साल थी या नहीं थी? थी तो गिनेंगे नहीं। हर मूर्ति के पहले वो 8 साल 6 साल अगर निकालते चले जाएंगे जिनमें उसकी प्रत्यक्षता नहीं हुई, गुप्त होकर के पाठ बजाया, तो 100 साल कैसे पूरे होंगे? वो 30-35 साल एक मूर्ति को कैसे देंगे? हाँ जी, इसलिए ब्रह्मा के 33 साल जब तक वो मूर्ति रही 36 से लेकर के 68 तक, ऐसे ही 69 से लेकर के जब तक वो मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष रही तब तक वो 33 साल। अब ये बात दूसरी है कि अभी 2-4 साल पहले अज्ञातवाणी में बोला कि बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो हो सकता है कि जो छोटी दुनिया बने उस छोटी दुनिया में जो छोटा सा संगठन हो उसके सामने प्रत्यक्ष रहे और बाकी बच्चों के सामने भी गुप्त हो जाए।
जैसे अभक्त वाणी में बोला, अगर अभी भी क्रोध करते रहेंगे तो बाप दादा मिलना जुलना बंद कर देंगे। 30-33 साल ब्रह्मा के ऐसे ही 30-33 साल दूसरी मूर्ति के भी है और 30-33 साल तीसरी मूर्ति के भी है। उन तीनों मूर्तियों से जो पक्के पक्के फॉलोअर्स बनते हैं भक्ति मार्ग में, उनका अपना संप्रदाय बन जाता है। केवल से शैव संप्रदाय बन गया, विष्णु से वैष्णव पंथी बन गए और ब्रह्मा से ब्रह्म समाजी बन गए। और महाभारत की लड़ाई में जो दुर्गत बताया है, जब कृष्ण है और अर्जुन पिता है, तो रथ क्या है? माता है, अर्जुन रथ है, अर्जुन पिता है, कृष्ण पिता है, तो रथ क्या थी? अर्जुन के अंदर प्रजा पिता में किस पिता ने उत्पन्न किया, कृष्ण है शिव पिता, अर्जुन के रथ कृष्ण पिता है। नहीं नहीं, यानी शिव की प्रवेश का तो दुनिया वालों ने कृष्ण को भगवान मान लिया है। रथ पांच तत्वों का सिंबल है, पांच तत्वों को शिव नहीं धारण करता, वो सिर्फ उसे कंट्रोल करता है। हाँ जी बाबा, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष मूर्ति कभी कामना होगी क्या? हाँ जी हाँ जी, कभी कामना होगी कभी जो वो दिखा दी। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है कि एक मूर्ति दो मूर्ति शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तो तीनों मूर्तियों का काम इकट्ठा है ना। अगर इकट्ठा नहीं होगा तो नई दुनिया भी नहीं बनेगी। ब्रह्मा जी द्वारा वाणी चला रहे थे तो उस समय तीनों मूर्तियां थी क्या? नहीं थी। ऐसे ही दूसरी मूर्ति में जब पाठ बजाते हैं तो तीसरी मूर्ति नदारद होती है, तो नई दुनिया का सवाल ही नहीं। ऐसे ही जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाए तब कहा जाएगा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाल। तीनों की एक भाषा हो जाएगी। ब्रह्मा तो क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। ब्रह्मा जब विष्णु हो जाएगा तो शिव की बात मानेगा या नहीं मानेगा? शिव का कहना है, गीता का भगवान शिव, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो मानना पड़ेगा ना। तो तीनों मूर्तियों की एक भाषा होनी चाहिए, तब कहेंगे सत्ययुग। एक मूर्ति एक बात बोले और दूसरी मूर्ति दूसरी बात बोले और उसके फॉलोअर्स भी दूसरे प्रकार की बात बोले और तीसरी मूर्ति और उसके फॉलोअर्स तीसरी प्रकार की बात बोले, तो तीन तीन बातों से तिवाता बन जाएगा। एक धर्म एक राज्य एक भाषा नहीं बनेगी। हाँ जी, मूर्ति बोलते हैं तो मूर्ति तो एक ही होगी। हाँ, कौन सी मूर्ति एक होगी? ब्रह्मा विष्णु सब की तीन अलग अलग। हाँ,
मुहूर्त अलग होगी कि एक ही मुहूर्त के अंदर एक ही कुछ स्थापना का अच्छा पार्ट बजाते हैं, कोई पालना का अच्छा पार्ट बजाते हैं और कोई विनाश का अच्छा पार्ट बजाते हैं। तो पार्ट बजाने वाले एक ही मूर्ति वाले होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होते हैं। तीनों मूर्तियां एक ही स्थान पर होगी? कोई जरूरी नहीं। विष्णु की मूर्ति क्षीर सागर में बैकुंठ को संभालेगी, शिवशंकर भोलेनाथ की मूर्ति शांति देवा के रूप में पाठ बजावेगी, कहाँ? शांति धाम में। और ब्रह्मा की मूर्ति है, नीचे की मूर्ति है ना, एक संसार की मूर्ति है ना, तो मनुष्य है, मानवीय दुनिया में रहे, उसका अस्तित्व होता है। चाहे तो बापदा वापस जा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन बच्चों के लिए रुके हैं। बाप दादा वापस जा सकते हैं, लेकिन भी लगा हुआ है। लेकिन दादा तो अभी संपूर्ण नहीं है ना? है जुड़न है, पाठधारी तो है। बाप और दादा दोनों पाठधारी तो है, तो जो पाठधारी है उन्हें अपने पाठ तो प्ले करने हैं। बाप दादा अलग अलग हैं या एक है? कंबाइंड है ना, कंबाइंड है। चाहे तो वापस जा सकते हैं, चाहे तो एक होकर के पार्ट बजा सकते हैं, लेकिन बच्चों को साथ लेकर के जाना है। बच्चे अनेक प्रकार के हैं, वैरायटी झाड़ के बच्चे हैं, सब बच्चों को साथ लेकर के जाना है, इसलिए अपने अपने तरीके का पार्ट भी बजाना है। हाँ जी, बाबा ने काम में 2025 में लेकिन अभी तो बाबा ने कहा कि 2014 तक कृष्ण को जन्म देने के बाद क्यों बाप की दुनिया में नहीं रहता है, वो स्तनधारी साथी हो जाता है। एक बात कैसे मिलता, इनका साथी हो जाता है और किन के लिए नहीं रहता है, ये बात तो नहीं बताई। जो नई दुनिया के भाती बन जाते हैं उनका साथी हो जाता है, और जो नई दुनिया के भाती नहीं बनते हैं उनको साथ लेकर नहीं जाएगा क्या? सूक्ष्म बतन उस समय खलास हो जाएगा क्या? जो भी शरीर छोड़ते जावेंगे या काले मौत में, वो सब सूक्ष्म बतन में इकट्ठे होते रहेंगे और बाहर की दुनिया में रावण राज्य गहराता जाएगा, दुनिया का वातावरण विकराल होता जाएगा। इसलिए बोला है अभी तो दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, एक पत्थर गुदता है तो चकनाचूर हो जाते हैं। अभी तो बहुत शांति का पीरियड चल रहा है, इतनी कोई प्रकार की अशांति नहीं है, आराम से खाने को मिलता है, आराम से पहनने को मिलता है, आराम से मकान मिलता है, तो भी चिल्लाते रहते हैं। हाँ जी, वो पीरियड बहुत थोड़ा होगा ना? हाँ जी, थोड़ा होगा, लेकिन समय की गति ऐसी है कि दुख का टाइम बहुत लंबा होता है। धर्मराज की सजाएं खाते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे हजारों वर्ष बीत गए। एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गीत बनाए दिए भक्ति मार्ग, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और सुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी भी। ऐसे नहीं समझ के बैठ जाना तो बहुत थोड़ा समय होगा, जो होगा तो देखा जाएगा।
सौर मंडल की सौर मंडल के साथ को जयवानी सांडे क्या जाने। हाँ जी मुझे पॉइंट आया। हाँ सौर मंडल में सितारे होते हैं ना, सितारे तो चमकने वाले होते हैं, ज्ञान की रोशनी की चमक मारने वाले होते हैं। तो जो सौर मंडल है विनाश के समय में चैतन्य रूप में दुनिया के सामने आवेगा, वो नौलाख का जो सौर मंडल होगा उसके साज को नौलाख के अलावा जो कोई 500 करोड़ होंगे वो उतना समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि थे अभिमान रह गया, वो अपने देवान को खलास नहीं कर सके, उनके जन्म कम हो जाएंगे, क्योंकि आत्म की स्थिति पक्की न धारण कर पाने के कारण बाप के पक्के आत्मरूपी बच्चे नहीं बन पाते, देवान के अहंकार में ही डूब जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उनको कब्र में दबाया जाता है, कब्रस्तान देह अभिमान की मिट्टी में दबाया जाता है अंत समय में। और जो पक्के आत्माभिमानी बनते हैं वो अपने देहभान को योगाग्नि में पूरा जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। इसलिए परंपरा बनी हुई है, भारतवासी अंत समय में जलाते हैं और विदेशी विधर्मी जमीन में गाड़ देते हैं। शिवाजी की बात है, ये ब्राह्मण महाराष्ट्र के है, वो शिवाजी को मानने के लिए तैयार नहीं, राजाभिषेक नहीं कर रहे थे, राजाभिषेक जो है उसको नहीं कराते, तो उसके लिए ब्राह्मण बनाते हैं काशी से, ब्राह्मण मंगाना पड़ता है, ब्राह्मण मंगाते हैं वहाँ से जाने के लिए, वो जाते हैं तो गाना बच करके नाम है उनका, गाना बच करके नाम है उनको, तो उनका जीवन लगा के भी जाना है राजाभिषेक कराते, राज्याभिषेक कराने के लिए वाराणसी से बुलाते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, यहाँ से ब्राह्मण मानते हैं, स्थानीय ब्राह्मण का विरोध करते हैं। अच्छा यहाँ के ब्राह्मण विरोध करते हैं, वहाँ से मंगला इसका नाम शिवाजी को मान्यता नहीं देते ब्राह्मण लोग, तो यहाँ के ब्राह्मण खुद भी तो अपने को मान्यता नहीं देते, तब तो बनारस से बुलाते हैं। जो आदमी अपने को ही खुद महत्व तो नहीं देता है तो दूसरे की इसमें क्या गलती। अब भगवान क्यों करते हैं, यह बात सबकी है, ब्रह्मा के तन में जीव आता है तब लागू हो जाती है या 1976 से लागू हो जाती है, इसी चक्र में लिखा है ना, लिखा है कि अब भगवान क्यों करते हैं, यह बात सबकी है, ब्रह्मा के तन में जीव आता है तब लागू हो जाती है, 1976 से लागू हो जाती है। उसके आगे पीछे और भी तो महावाक्य होंगे, भगवान वाच्य कहते हैं ना, श्री भगवान वाच्य चक्रों में लिखा है ना, श्री भगवान वाच्य जो बात सबकी है, ये सब कहा है सबकी है, तो ब्रह्मा के सन में जब शिव आता है तब सबकी बात है, तब उसकी बात है या 1976 की बात है। ब्रह्मा के तन में आता है तो भगवान होता है, भगवान के रूप में पाठ बजाता है, जब ब्रह्मा के तन में होता है तब भगवान के रूप में पाठ बजाता है या 76 से भगवान के रूप में पाठ बजाता है। ब्रह्मा को भगवान कहा ही नहीं जाता, ब्रह्मा को अगर भगवान मान लिया जाता हो तो फिर ब्रह्मा की मूर्तियां बनाई जाए भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा के मंदिर बनाए जाए भक्ति मार्ग में, और ब्रह्मा की भक्ति मार्ग में पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन न पूजा होती है न मूर्ति बनाई जाती है
ना मंदिर बनाए जाते हैं यादगार, यादगार किसकी बनाई जाएगी? जिसने काम को पूरा किया होगा, संपन्न किया होगा, उसकी यादगार बनाई जाएगी, या जो काम अधूरा छोड़ करके चला जाए उसकी यादगार बनाई जाएगी? यादगार तो संपन्नता की मनाई जाती है। हाँ, 47 से बना हुआ है। हाँ भैया जी, और मुरली तो 47 से चली आई। हाँ, और 47 में बंटवारा हुआ। हाँ, तो मतलब वो गर्गता मड़े का पीरियड कितना बना, कितना समय चला? 3-4 साल। हाँ बाबा, एक भी पावरफुल संगठन तैयार हो जाने पर एक दूसरे को खींचकर 108 की माला तैयार हो जाएगी बाबा। 108 की माला का संगठन एक हो जाएगी, माने अलग अलग संगठन है, उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल संगठन होगा वो अपनी यूनिटी तैयार कर लेगा। प्योरिटी के आधार पर यूनिटी तैयार होती है। बाबा जी ने पिछली बार बताया था कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये जो दो पावरफुल ग्रुप है, इनमें से प्योरिटी ज्यादा चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में प्योरिटी तब होगी असली, जब वो संन्यास धर्म को त्याग दे, प्रवृत्ति मार्ग का बन जाए, निवृत्ति मार्ग को त्याग दे। अभी बाप के साथ प्रवृत्ति है या नहीं है? जब नहीं है तो निवृत्ति है। बाप की श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन होगा या मनमत पर स्वर्ग स्थापन होगा? माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट तो खुलेगा, लेकिन माताएं जो श्रीमत पर चलने वाली होंगी उनके द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा, या जो मनुष्यों की मत पर चलने, मनुष्यों के इशारे पर चलने वाली होंगी उनकी मत पर स्वर्ग का गेट खुलेगा? प्रवृत्ति चाहिए। स्वर्ग का गेट माना क्या? स्वर्ग माना आत्मिक स्थिति में जाना। हाँ जी, स्वर्ग का गेट खोलना माना क्या? कोई संगठन तैयार होना। गेट खोलना माना कोई मकान है, कोई घर है जहाँ संगठित होकर के परिवार रहता है। और स्वर्ग के गेट खोलने के लिए प्रत्यक्ष भी होना पड़ेगा ना, प्रत्यक्ष ही होंगे ना? हाँ, नहीं तो घुसेंगे कैसे? प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अंधेरे में घुस जाएंगे क्या? हाँ, प्रत्यक्षता तो होगी, लेकिन सबको पता नहीं चलेगा, सबको देखने में नहीं आवेगा। ब्रह्मा और शंकर को दिखाया है और विष्णु को खड़ा दिखाया है। मुख्य पुरुषार्थ क्या है ब्राह्मण जीवन का? मुख्य में मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तो ब्रह्मा और शंकर और विष्णु तीनों में पुरुषार्थ में कौन खड़ा हुआ है और कौन पड़ा हुआ है? विष्णु खड़ा हुआ है, इसलिए उसको खड़ा हुआ दिखाया गया। कोई हार खा के बैठ जाता है, अरे हम नहीं हो पाएंगे। ब्यूटी के मुख्य गुण है, पवित्रता का मुख्य गुण है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से, वृत्ति से। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शंकर में तो शिव प्रवेश है, केवल प्योर, तो फिर पवित्रता का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ रुद्रमाला की बात की गई है और उस रुद्रमाला में शिव की बात की गई है या शंकर की बात की गई है? शंकर तो इतना शुद्ध हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, जिस मूर्ति को हम देखते हैं उस मूर्ति के अंदर की आत्मा को देखते हैं,
या देहधारी को देखते हैं, बात खत्म हो जाती है। बाबा है हद का जो मुगल सल्तनत है वो बाबर ने शुरुआत की। हाँ जी स्थापन। तो यहाँ पर जो बाबा ने बोला सदगुरु के जो निंदा करते हैं वो सब मुगल है बेहद से, वो वहाँ की बात वहाँ रही और यहाँ की बात, यहाँ की बात विनाश के टाइम पर यहाँ लागू होगी। बाबा इनकी भी शुरुआत किसी ने की होगी ना, इसकी यहाँ के जो बेहद से मुगल है। हाँ? ना कोई तो होगा जो मुंह से गला होगा। हाँ हाँ तो वही तो हो गया मुगल सल्तनत का। हाँ तो जो जो माना जो बाबर होगा। हाँ तो वो तो सबका बाप है ना, वो मुसलमानों का बाप नहीं है क्या? है तो सबका बाप है तो क्या हुआ? लेकिन बाबा सदगुरु के निंदक में कैसे जाएगा? सदगुरु का निंदक माना एक शिव जिसकी मत है उसकी बरखिलाफी करने वाला ना हो। शिव की जो मत है उस शिव की मत की बरखिलाफी करने वाला ना हो। औरों की तो बरखिलाफत करेगा ना, सारी दुनिया झूठी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे तो रावण राज्य के अंदर हैं। गुरु नाग ननाने ने क्या बोला है? असंख्य चोर हराम खोर। तो ये निंदा करना हुआ क्या है? ये तो सच्ची बात है ना, एक शिव की महिमा करना और बाकी सबकी ग्लानिंग करना तो झूठी बात है क्या? ये बताया जाए कि एक शिव है प्रगति दाता और बाकी सब है दुर्गति दाता, तो बाकी सब कहें ये तो हमारी निंदा करते हैं, तो निंदा है या सच्चाई है? सच्चाई है। निंदा का घर जो है वो बाजू में होना चाहिए था। हाँ निंदा चलिए अरे राखिए। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को शंकर को अपने पास में ही रखा हुआ है ना, है? है। बाबा जो ब्रह्मा के बुद्धि में जो गांठ बाबा ने बताई है तो गांठ का ऑपरेशन जब तक नहीं होता है तब तक। ब्रह्मा की बुद्धि में गांठ? हाँ ब्रह्मा की बुद्धि में गांठ। हाँ वो 63 जन्मों की जो बात बुद्धि में बैठी हुई है, जो मान मर्तबा कृष्ण की आत्मा को मिला है 63 जन्म, वो मान मर्तबा किसी और आत्मा को नहीं मिला है, इसलिए वो बात उनकी बुद्धि में से जल्दी नहीं निकलती है। राम वाली आत्मा को भी मिला वाले। है राम वाली आत्मा को मिला क्या? मिला चाहिए गीता का भगवान राम मान मर्तबा 63 जन्मों में के मुकाबले। राम की आत्मा को 63 जन्म के मुकाबले राम की आत्मा को तो कम ही मिला। वो बाप है ना, राम बाप है ना। हाँ तो बाप अपने को आगे करता है क्या मान मर्तबा लेने में? बाप बच्चों को आगे करता है या अपने को आगे करता है? है सिर्फ नाम नाम चलता है। बाप कमाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे खाते हैं, नाम रखते हैं एंड संस, तो एंड संस से पहले नाम किसका होता है? बाप का। लेकिन बाप का नाम ही है या वो खाता भी है बैठ करके? और सबको तो चाहिए दिखाते हैं। में एक नारायण जाने के बाद दूसरा नारायण गद्दी पर आता है। हाँ जी वहाँ तो गद्दी वगैरह कुछ होती नहीं ना। और शूटिंग कहाँ होती है? होती है यहाँ शूटिंग होती है, यहीं का गायन है न कि वहाँ का गायन और हिस्ट्री है। यहाँ का सारा गायन और हिस्ट्री है। यहाँ अभी ब्राह्मणों की दुनिया में देखेंगे
कि 8-9 राजा ही आए इस पर चंद आवेंगे। बाबा भक्ति माता एक सवाल सुन सकती हूँ। गुरु की प्रतिष्ठा करते हैं उसमें आत्मा प्रवेश होती है, अगर होती है तो भक्ति लोग मन्नत मांगते हैं तो पूरा नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। आत्मा प्रवेश करती है मूर्ति।